सलावा गांव के हिंदू युवा वाहिनी के नेता निशांत राणा मौजूद हैं। वो भी यहां व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ठाकुर चौबीसी से लोगों के कितने पहुंचने की संभावना है। निशांत जी, थोड़ा सा फीडबैक दें। भाई साहब, ऐसा है कि यहां पे जो व्यवस्था हो रही है बहुत ही बेहतरीन है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ आने पर चौबीसी एक है। कुछ अप्राकृतिक आदमी है जो इस चीज़ को ज़्यादा हल्ला डब्बा कर रहे हैं। अन्य वैसे कुछ नहीं है। सब जो चुनून के साथ में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करेंगे। ठाकुर चौबीसी में जो क्षत्रिय समाज के जो नेताओं को टिकट नहीं मिला उसको लेकर के भी नाराजगी देखने को मिल रही है, उसमें क्या कहना है? भाई साहब, ऐसा है, नाराजगी कुछ नहीं है। केवल ये कुछ एक विशेष प्रोपगंडा चल रहा है जिसके द्वारा ये काम हो रहा है। नहीं, ठाकुर समाज इतना वो नहीं है कि अपनी बीजेपी से बाहर जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी के सपोर्ट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। ठीक है भाई साहब, लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण में क्षत्रिय नेताओं को नजरअंदाज करना भाजपा को भारी पड़ रहा है। कारण यह है कि ठाकुर समाज में भाजपा को लेकर भारी विरोध है। विरोध इसलिए है कि उनके नेताओं को खास तौर पर वेस्ट यूपी में उनके नेताओं को टिकट नहीं मिले हैं, जिसके चलते लगातार ठाकुर समाज विरोध जता रहा है। अपने गांवों में भाजपा बहिष्कार के पोस्टर लगा दिए हैं। सतना विधानसभा की ठाकुर चौबीसी की बात करें तो अधिकांश गांव में भाजपा बहिष्कार के पोस्टर लग चुके हैं। इससे अछूता भाजपा का जिला अध्यक्ष का गांव रारथना भी नहीं रहा है। इसके अलावा तमाम बड़े नेताओं के गाँव में भी भाजपा बहिष्कार के पोस्टर लग चुके हैं। सहारनपुर के ननोता गाँव में हुई महापंचायत के बाद भाजपा नेताओं की नींद उड़ी हुई है। कारण यह है कि वहां से ऐलान कर दिया गया है कि जो भी भाजपा को हराएगा वोट उसी को दी जाएगी। अब इस विपरीत परिस्थिति में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद बीड़ा उठाया है कि ठाकुर समाज को मनाने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में सतना विधानसभा के गांव रारथना में सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा का आयोजन किया जा रहा है। कल यानी 10 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा रारथना गाँव में होनी है। विशेष बात यह है कि रारथना गांव भाजपा जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा का पैतृक गांव है। इस गांव में भीड़ जुटाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस समय पुलिस प्रशासन से लेकर तमाम अमला सभा की तैयारी में लगा हुआ है। पीछे देख सकते हैं आप, बड़ा मंच बनाया जा रहा है, पुलिस तैनात हो चुकी है, हेलीपैड बनाया जा रहा है। दूर तक लंबा लगभग 10 से 20 हज़ार लोगों के लिए टेंट का इंतजाम किया जा रहा है। अधिकारी सभा की व्यवस्थाओं को देखने के लिए यहां पर डेरा डाले हुए हैं। इस सभा में बड़ी बात यह है कि सभा में भीड़ एकत्रित करना सफल हो पाएगा या नहीं। इसके अलावा क्या सीएम योगी आदित्यनाथ ठाकुर समाज को मनाने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं, ये बात हम इसलिए भी बोल रहे हैं
क्योंकि 16 अप्रैल को खेड़ा गांव में ही महापंचायत ठाकुर समाज ने बुलाने का ऐलान कर रखा है। अब देखना यह है कि कल सभा कितनी सफल होती है, ठाकुर समाज को सीएम योगी आदित्यनाथ मनाने में सफल होते हैं या 16 अप्रैल की महापंचायत को स्थगित कराने में कामयाब होते हैं या नहीं। अब तक के लिए इतना ही। मैं दानिश अंसारी, जनवाणी न्यूज़, सरजना।